राम राम जी, स्वागत है आपका उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन जागलान आज आप सभी साथियों को लेकर चलता हूं हरियाणा जीके में, हरियाणा के गठन विषय पर। तो सभी साथी मिलकर दोहराएंगे हरियाणा का गठन, याद रहे हम जुड़े हैं उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल से। तो देखिए, बात रहेगी हमारी हरियाणा का गठन से। हमें इस बात का तो पता है कि 1 नवंबर 1966 को 18वें संशोधन के तहत हरियाणा 17वां राज्य बना, परंतु हमें पूर्व में हुई भौगोलिक व सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाओं को आधार में रखते हुए राजनीतिक प्रवेश पर ध्यान डालना होगा कि हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। अब आपको पता है कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से हरियाणा व भारतवासियों के लिए असफल मानी जाती है, और अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब रहे तो उस समय दिल्ली के बाहर के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए जब अंग्रेज आगे बढ़ते हैं तो सबसे मुश्किल होती है उनको हरियाणा के क्षेत्र में, क्योंकि पुरजोर विरोध किया जाता है हरियाणा के क्षेत्र में अंग्रेजों का। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा के कुछ हिस्से को तो दिल्ली से काट दिया, और कुछ हिस्सा कानपुर के अधीन था उसको काट दिया, और दोनों को संयुक्त करके पंजाब में मिला दिया। याद रहे, इस 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो हरियाणा है ना, हरियाणा, इसको दिल्ली व कानपुर से तो काटा गया, दिल्ली व कानपुर से काटकर मिलाया इस क्षेत्र से हरियाणा को, काटकर किसमें गया, पंजाब में। अब पंजाब में, पंजाब पहले से मिला हुआ था और हरियाणा अब मिला दिया गया, तो इस पंजाब का नाम पंजाब न रखकर रख दिया गया संयुक्त पंजाब। अब वो ठहरे अंग्रेज और हम भारतीय, तो अंग्रेजों ने संयुक्त पंजाब को भी चेंज कर दिया, उन्होंने नाम रखा पैक्सू। और जो ये पैक्सू हमारा हुआ, पी से पटियाला, ई से ईस्ट, पी से पंजाब स्टेट यूनियन के पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से जाना जाने लगा। इस क्षेत्र की राजधानी होती थी शिमला। ये बात रही हमारी अब तक 1858 व उसके नजदीक की समय की। अब बात रहती है हमारी यहां से आगे बढ़ने की कि हरियाणा को अलग कैसे किया गया। देखिए, जब इस पटल पर कार्य किया जाता है तो आपको याद होगा 1885 और 1886 कांग्रेस का गठन हुआ। 1885 में तो इंडियन कांग्रेस का गठन हुआ और 1886 में हरियाणा कांग्रेस का गठन हुआ। इंडियन कांग्रेस का गठन के लिए जहां एओ ह्यूम ने कार्य किया, तो हरियाणा कांग्रेस के गठन के लिए राय बहादुर बापू मुरलीधर ने कार्य। अब बात रहती है यहां गठन की, कांग्रेस के गठन के बाद प्रत्येक वर्ष सेमिनार कह सकते हैं हम, एनिवर्सरी मनाई जाने लगी कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की भी और भारतीय कांग्रेस की भी प्रत्येक वर्ष मनाई जाती थी। जब 2006-07 का दौर आता है तो मुस्लिम लीग एक अलग विभाजन हो जाता है कांग्रेस से, तो वो भी अपने अलग सेरेमनी मनाने लग जाता है। अचानक बात पहुंचती है 1925 की, और यहीं से हमारा नया अध्याय शुरू होता है हरियाणा का गठन का। हरियाणा का गठन जब विषय आता है तो मुख्यतः 1925 से ही शुरू होता है, तो हम भी यहीं से शुरू करते हैं 1925 से। तो देखिए, बात रहती है हमारी 1925 में कि दिल्ली के अंदर एक बैठक होती है, और जो ये बैठक होती है ना, ये होती है मुस्लिम लीग की, ना कि कांग्रेस की। किसकी बैठक होती है? मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग की जो बैठक होती है, और बात रहेगी हमारी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग में होती है एक कमेटी, उसका नाम होता है स्वागत समिति, इसको अतिथि सत्कार समिति भी कहा जाता है।
अब हम इसको एग्जाम के तौर पर दोहराएंगे, स्वागत समिति। इस स्वागत समिति के एक अध्यक्ष होते हैं पीरजादा हुसैन। याद रखना साथियों आपने, पीरजादा हुसैन ये स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं और मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं। बैठक होती है दिल्ली में 1925 में। अब ये बैठक में एक बात उठाते हैं, ये कहते हैं पंजाब में हरियाणा को मिलाया गया है, इसके एक तरफ दिल्ली है हरियाणा के, पंजाब है जो उसकी भाषा पंजाबी है और हरियाणा है उसकी भाषा हिंदी है, और जो दिल्ली है उसकी भाषा भी हिंदी है। तो ये पीरजादा हुसैन जी कहते हैं हरियाणा और पंजाब एक हैं, इसके कुछ हिस्से में तो हिंदी बोली जाती है और कुछ हिस्से में पंजाबी बोली जाती है, तालमेल न होने के कारण, एक समन्वय न होने के कारण काफी विवाद रहता है। बहुत सी बातें ऐसी है या तो पंजाब के लोग नहीं समझ पाते या फिर हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग नहीं समझ पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया जब हरियाणा की भाषा भी हिंदी है और नजदीकी लगते दिल्ली की भाषा भी हिंदी है, क्यों ना हरियाणा को पंजाब से तो काट दिया जाए और दिल्ली में मिला दिया जाए। बहुत अच्छे से इस बात को समझाया जाता है, जैसे ही स्वागत समिति के सदस्य इस बात को समझाते हैं तो समस्त मुस्लिम लीग होता है जो बैठक में इस बात का समर्थन कर देता है। तो यही बात मजबूती के साथ गोलमेज सम्मेलन तक उठाई जाती है। याद होगा आपको कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में होती, गोलमेज सम्मेलन की बैठक, और तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 1931 और 1932। ये बात उठती है 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, हालांकि 1925 के बाद बात हो जाती है 1931 में। 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है, याद रहे 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है दूसरे नंबर का, पहला 1930 में होता है। तो इस गोलमेज सम्मेलन कहां होता है, ये आपको सबको याद होगा, लंदन में। इस गोलमेज सम्मेलन में बात उठाई जाती है कैसे, बिल्कुल सेम तरीके से एज इट इज, कि पंजाब की भाषा पंजाबी है उसे स्वतंत्र कर दिया जाए, हरियाणा की भाषा हिंदी है और दिल्ली की भाषा हिंदी है, इनको जोड़ दिया जाए क्योंकि भाषा के आधार पर इनका गठन किया जाए। इस बात को वहां से समर्थन मिलता है, परंतु हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया जाता। ठीक उसी समय हरियाणा और हिंदी भाषित यानी कि दिल्ली के नजदीक के क्षेत्रों में एक अक्षेत्रीय यानी कि स्थानीय नेता होते हैं दीन बंधु बूथ, वो इस बात को इतनी मजबूती से उठाते हैं कि युवाओं में अलग हरियाणा का एक नया जोश देखने को मिलता है। अब इस बात को, अलग हरियाणा की बात होती है, जो जो अलग हरियाणा होता है ना, इसकी बात को सबसे मजबूती से बल कौन देता है, दीन बंधु बूथ। अब याद रहे दीन बंधु गुप्त कौन था, उस समय जो हिंदी भाषित क्षेत्र था ना, हिंदी भाषित क्षेत्र, इस हिंदी भाषित क्षेत्र का एक स्थानीय नेता था। क्या था, एक स्थानीय नेता कहां का, हिंदी भाषित क्षेत्र का। अब तो यह बात और भी मजबूती के साथ उठने लग जाती है कि हिंदी भाषित क्षेत्र का स्थानीय नेता भी सोर आगे बढ़ा है कि हरियाणा को पंजाब से भाषा के आधार पर अलग किया जाए। परंतु भारत को आजादी होती है तब तक 1947 तक हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया जाता। अब डायरेक्ट हम आते हैं हरियाणा को पंजाब से अलग करने से पहले के पराक्रम पर, भारत की आजादी पर। तो बात याद होगी आपको 1947 भारत की आजादी, अब तक हमने दोहराया कि भारत की आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने, स्वागत समिति ने, पीरजादा हुसैन उसके अध्यक्ष थे, हिंदी भाषित क्षेत्रों को एक करने के लिए, पंजाब भी भाषित क्षेत्र से अलग करने के लिए एक पहल की, उस पहल को समर्थन दिया दीन बंधु गुप्त ने। तो ये पहल कहां तक पहुंची, लंदन के गोलमेज सम्मेलन तक, परंतु हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हो सका, तभी भारत आजाद हो जाता है। अब तक भारत की आजादी से पहले की बात की, अब बात दोहराएंगे भारत की आजादी के बाद की। तो देखिए,
देखिए भारत की आजादी के बाद बात रहती हमारी प्रथम प्रधानमंत्री की, जो प्रथम प्रधानमंत्री होते ना वो आपको पता है कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, श्री जवाहरलाल जी नेहरू भारत के। अब बात रहती है प्रथम सीएम यानी मुख्यमंत्री की, अब वो होते हैं गोपीचंद भार्गव। एक बात याद रखना, काफी बुक ऐसी है जिनमें गोपीचंद भार्गव के स्थान पर गोपीनाथ भार्गव दिया हुआ है, हमें इस मैटर पर नहीं जाना। गोपीचंद भार्गव भी वही थे, गोपीनाथ भार्गव भी वही थे, कुछ बुक में चंद की जगह नाथ दिया गया है, कुछ में नाथ की जगह चंद दिया गया है, रियल नेम का गोपी चंद था। अब बात रहती है ये प्रथम सीएम तो बन गए, सीएम कहां के बने? ये सीएम बने जी पेप्सू के, पंजाब पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के, यानी कि संयुक्त पंजाब के, हरियाणा और पंजाब जब एक हो चुका था तो उसके प्रथम सीएम कौन बने? गोपी चंद भार्गव। चलिए तभी हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी। हरियाणा का जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उन्होंने एक हिंदी भाषा आयोग बना दिया ताकि हिंदी बोलने वाले क्षेत्र को पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र से अलग किया जाए। क्या बना दिया? हिंदी भाषा आयोग, हिंदी भाषी क्षेत्र आयोग के नाम से जाना गया। अब जो इसके एक व्यक्ति को अध्यक्ष भी बनाया गया वो कौन था? बलवंत राय तायल, बाद में हिसार से एमएलए भी बने हैं। अगर इनकी बात पर जाते हैं तो भजनलाल के साथ ही रहे, चाहे उन 79 की बात, उस चौधरी देवीलाल जी की सरकार तोड़ने की, जनता दल की, बहुत सी बातें ऐसी हैं। अब हम डायरेक्ट यहां नहीं कर सकते अपने विषय के बीच में, यहां तक हमारा विषय रहेगा बलवंत राय तायल को हिंदी भाषी क्षेत्र आयोग बना था उसका अध्यक्ष बना दिया गया और बहुत से सदस्य इसके सदस्य बन गए इसके हिंदी भाषित आयोग के। अब ये हिंदी भाषित आयोग मिलता है जवाहरलाल नेहरू से और अलग हरियाणा की मांग रखता है। जवाहरलाल नेहरू इस मांग को सही ठहराते हुए एक पत्र लिखते हैं हरियाणा के यानी कि पेप्सू के सीएम को। क्या लिखते हैं? एक पत्र। ये पत्र जब तक गोपीचंद भार्गव को मिलता है तब तक गोपीचंद भार्गव को अपने पद से हटा दिया जाता है और हरियाणा यानी कि पेप्सू के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं भीमसेन सच्चर। किसको कौन मिलते हैं? प्रथम सीएम के बाद हम क्या लिखांगे? दूसरे सीएम। किसके? पेप्सू के। कौन बन जाते हैं? भीमसेन सच्चर। अब भीमसेन सच्चर जी दूसरे सीएम बन गए। अब वो पत्र क्या था? गोपीचंद भार्गव के नाम नहीं आता था, वो आता है पेप्सू के सीएम के नाम पर। अब वो पत्र का अगुवाई कौन करेगा? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर को पत्र तो मिल गया परंतु उस पर कार्य नहीं किया। ये बात रहती है हमारी 1948 की। कब की बात रहती है? 1948 की। तो जब 1948 की बात रहती है तो हमने देखा तो यह बात वहां पर रुक गई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कैसे किया जाए। ठीक उसी समय कब? 1948 में ही। 1948 में ही क्या होता है? एक व्यक्ति होते हैं मास्टर तारा सिंह। ये पंजाब के होते हैं मास्टर तारा सिंह और ये पंजाबी भाषा में एक पत्रिका निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पत्रिका। कौन सी भाषा में? पंजाबी में। उस पत्रिका का नाम होता है अजीत। बहुत ही अहम पत्रिका होती है, युवाओं में जोश भरने का एक नजरिया है इस पत्रिका में। इस पत्रिका में युवाओं को अग्रसर किया हरियाणा को पंजाब से, पंजाब को हरियाणा से अलग करने का। परंतु संयोग की बात यह रही, यह भाषा के आधार पर नहीं, यह जाति मजहब धर्म के नाम पर बांटा गया। यह हर पत्रिका आज के समय के अनुसार एक असफल परिणाम रहा, परंतु फिर भी हमें इसका वर्णन करना है। अजीत पत्रिका निकाली और इस पत्रिका में क्या लिखा?
केवल और केवल सिख राज्य की मांग। क्या मांग रखी? न तो हमें पंजाबी भाषित क्षेत्र चाहिए, न हमें हिंदी भाषित क्षेत्र चाहिए, हमें केवल जाति के आधार पर पंजाबी समुदाय का क्षेत्र चाहिए जिसमें केवल पंजाबी पंजाबी यानी कि सिख हो, सिख समुदाय का क्षेत्र की मांग की। अब इस मांग ने क्या किया, 1948 में बहुत अधिक जोर पकड़ना शुरू कर दिया, बहुत से युवा साथी मास्टर जी के साथ हो गए और अजीत पत्रिका विमोचन करने लगे। अब सरकार ने देखा कि बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी है हरियाणा को पंजाब से, पंजाब को हरियाणा से अलग करने की यानी कि विभाजन की, तभी दोबारा से जवाहरलाल नेहरू जी ने भीमसेन सचदेव से बात की और कहा गया कि हरियाणा को पंजाब से किस तरह अलग किया जाए, आप कोई ना कोई पहल कीजिए। और भीमसेन सत्तर जी ने तब पहल की और क्या किया, पहला आयोग बनाया। क्या बनाया गया? पहला आयोग। और आयोग का नाम भीमसेन सत्तर जी ने स्वयं के नाम पर रखा। क्या रखा? सत्तर आयोग। जब नाम ही सत्तर आयोग रख दिया इस आयोग का तो अध्यक्ष की बात आएगी तो एक ही नाम आएगा, भीमसेन सत्सर। सत्सर आयोग बनाया गया, भीमसेन सत्सर नाम रखा गया। और कब बनाई है आयोग, देखिए बात रहेगी आयोग बना कब, 1948 में लागू हुआ, 1949 में। अब बात रहती है कि 1949 में तो लागू हो गया, 1949 में कब लागू हुआ, ये 1 अक्टूबर 1949 को इसे लागू कर दिया गया। अब इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट क्या रही, ऐसा हमने पता है कि हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 को बना है और रिपोर्ट तो 1953 में सौंपी गई। क्या रिपोर्ट रही, एस्पन। और ये रिपोर्ट सौंपी कब गई, 1953 में। अब बात ये भी होनी चाहिए हमारी कि इस रिपोर्ट की असफलता का मूल कारण क्या था, तो देखिए वो एक बार थोड़ा इंडेक्स में देखेंगे। मान लीजिए ये पैप्सू है हरियाणा और पंजाब संयुक्त रूप से, इस आयोग ने कार्य किया भाषा के आधार पर, जिस क्षेत्र में पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है उसको पंजाब में मिला दिया जाए और जो हिंदी भाषित बहुल्य क्षेत्र है उसको हरियाणा में मिला दिया जाए। अब यह क्षेत्र पंजाबी भाषित था पंजाब में मिला दिया और यह क्षेत्र हिंदी भाषित बहुल्य था हरियाणा में मिला दिया। अब जो ये क्षेत्र रहा ना, नाभा, बठिंडा, मोगा, पटियाला, संगरूर, सुनाम, पातड़े, मूणक, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहबाद, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ये क्षेत्र ऐसा रहा कि हिंदी भाषित भी सेम था और पंजाबी भाषित भी सेम था, यानी कि दोनों भाषा इक्वल टू होने के कारण यह फैसला नहीं कर सका आयोग कि इसे हिंदी भाषित में शामिल किया जाए या पंजाबी भाषित में शामिल किया जाए। इस वजह से यह आयोग क्या रहा, अपनी असफल रिपोर्ट पेश कर सका 1953 में। अब असफल रिपोर्ट के बाद हमें पता है दोबारा से फिर पहल की जाएगी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। अब तक हमने दोहराया कि किस तरह भूमिका तैयार की गई और किस तरह पहला आयोग बनाया गया, सत्तर आयोग, स्वयं भीमसेन सत्तर अध्यक्ष थे, 48 में बना, 49 में 1 अक्टूबर को इसकी लागू हुआ, असफल रिपोर्ट मिली 1953 में, कारण क्या था, कारण हमने बताया अभी, वो भाषा था इसका कारण, भाषा के आधार पर विभाजन करना चाहता था जो विभाजन नहीं हो सका। अब हमने यहां तक रहा, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अब बात रही एक आयोग के असफल होने के बाद बना दूसरा आयोग। ये जो दूसरा आयोग बना ना, इस आयोग का नाम था फैजल अली आयोग।
क्या नाम था? फैजल अली आयोग। अब इसके बाद रहती है अध्यक्ष की, तो स्वयं फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? स्वयं फैजल अली। अब देखते हैं यह आयोग था ना, इस आयोग को सीमा आयोग भी कहा गया। क्या कहा गया? सीमा आयोग। अब इस आयोग का कार्य क्या था? आयोग का कार्य था भाषा के आधार पर किसके आधार पर? भाषा के आधार पर सीमा का निर्धारण करना, यानी कि सीमा का निर्धारण करना इसका कार्य था। और किस आधार पर? भाषा के आधार पर। अब एक बात और देखिए, जो ये आयोग बना था ना, देखिए यह आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बना। किसके तहत बना था? कि राज्यों का पुनर्गठन यानी कि दोबारा से नए सिरे से गठन किया जाए, उस आधार पर बनाया गया था। अब कानूनन रूप से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह सातवें संविधान संशोधन से बना। किससे बना? सातवें संविधान संशोधन। पूरे भारत में केवल एक राज्य को भाषा के आधार पर अलग कर सका था, आंध्र प्रदेश को। क्या लिखेंगे? यह केवल आंध्र प्रदेश को अलग कर सका। आंध्र प्रदेश किस आधार पर अलग किया गया था? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर अलग होने वाला एकमात्र एवं सबसे पहला, एकमात्र नहीं कह सकते, सबसे पहला कह सकते हैं, राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अब हमें आंध्र प्रदेश का नहीं, हमें तो हरियाणा का जिक्र करना है। अब देखिए जब बात हरियाणा की आती है तो यह आयोग 1955 में हरियाणा में पहुंचता है। बनता कब है? 1953 में। और शायद मैंने लिखा नहीं कब बना यह आयोग, दूसरा आयोग लिखते हैं, 1953 में बन जाता है यह आयोग। और कब पहुंचता हरियाणा में? 1955 में। एग्जाम में जो डी ग्रुप का एग्जाम था उसमें भी और एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम में भी दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि यह आयोग हरियाणा में कब पहुंचा और कहां पहुंचा? रोहतक। कब और कहां? सबसे पहले हरियाणा में रोहतक पहुंचता है। कब? 1955 में। कौन सा आयोग? फैजल अली आयोग। अब बात रहती है इस आयोग की कि एकमात्र राज्य को अलग कर सका आंध्र प्रदेश को, यानी कि पूर्ण रूप से अस्पद रहा, किसी राज्य को अलग नहीं कर सका। हमारा उद्देश्य तो हरियाणा व पंजाब को अलग करना था, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जो ये असफल रहा ना, इस असफलता का कारण भी तो होगा कुछ। क्या कारण हो सकता है कि यह आयोग असफल बना? तो वही कारण देखिए, हमने इसको पैक्सू मान लिया। अब इसमें इस क्षेत्र में पंजाबी भाषी था तो पंजाब में सौंप दिया था, ये क्षेत्र हिंदी भाषी था तो हरियाणा में सौंप दिया था। ये जो दोनों क्षेत्र तरफ से भाषा बोली जाती थी ना, इस क्षेत्र पर दबाव बना गया तात्कालीन सीएम। तात्कालीन सीएम, सीएम किसका? न हरियाणा का, न पंजाब का, पैक्सू का, वो था प्रताप सिंह गहलोत। इस प्रताप सिंह कैरों ने, तात्कालीन सीएम ने, इस आयोग की ज्यादातर शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और बाध्य कर दिया, इस क्षेत्र पंजाबी अधीन है, इस क्षेत्र में भी पंजाबी को पढ़ाने, बोलने और राजकाज की भाषा प्रयोग करने के लिए इस क्षेत्र को तो पूर्ण रूप से पंजाबी बाहुल्य ही माना गया, क्योंकि दबाव किसका था? प्रताप सिंह कैरों का। प्रताप सिंह कैरों स्वयं का संबंध पंजाब से था, जो पंजाबी भाषित क्षेत्र और स्वयं भी पंजाबी भाषा के जानकार थे। तो इस आयोग ने उस दबाव के कारण एक असफल रिपोर्ट सौंपी गई। तो यह तो नहीं कह सकते कि पंजाब के सीएम के कारण असफल रहा, तो असफलता का कारण हमने आखिर क्या माना? क्या माना? भाषा व सीमा।
भाषा क्यों माना? क्योंकि भाषा के कारण निर्धारण नहीं हो सका। सीमा क्यों माना? क्योंकि सीमा का ही निर्धारण तो करना था, उसको करने में असफल रहा। न तो भाषा को क्लियर कर सका, न ही यह आयोग सीमा को क्लियर कर सका। परिणाम स्वरूप यह आयोग भी क्या हो गया? असफल। एक बार फिर हरियाणा व पंजाब के विभाजन की दशा रुक गई। अब दोबारा से आगे बढ़ते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी साथी। देखिए अब बात रुक जाती है, तो रुकी हुई बात में क्या होता है, पंजाब में होते हैं एक संत और संत का नाम होता है फतेह सिंह। संत फतेह सिंह रुके हुए कार्य में एक बार फिर से ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं। जिस तरह ईंधन कार्य करता है, ठीक उसी तरह ईंधन का कार्य किसने किया? फतेह सिंह। तो फतेह सिंह ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया, यानी कि मन व्रत पर बैठ के कि जब तक नहीं मरूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो तब तब हरियाणा और पंजाब का विभाजन कर दिया जाएगा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सूबे की मांग। क्या था? सूबे की मांग। अब सूबे की मांग थी हरियाणा व पंजाब का विभाजन। क्या थी सूबे की मांग? हरियाणा का और पंजाब का विभाजन। देखिए इस मांग के साथ इन्होंने अनशन पर बैठ गए, तो बहुत ज्यादा समर्थन इनको मिलने लगा। हरियाणा के नेता भी जाने लग गए, चौधरी देवीलाल जी ने मुख्य रूप से अहम योगदान दिया उस समय हरियाणा व पंजाब को अलग करने के लिए। तो देखिए अब फतेह सिंह का साथ देने लगे। तभी क्या था, भारत पर एक आपातकालीन संकट आया, भारत का पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण देश पर आए संकट के कारण राष्ट्रीय संकट घोषित करते हुए इन्होंने क्या करा, अपना आमरण अनुसंधान उसे क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। अब क्या था, दोबारा से फिर बैठ गया अनशन पर कुछ समय बाद। अब इन्होंने सरकार को समय दिया 15 दिन का। कब का? 15 दिन का। और इस 15 दिन का समय के साथ इन्होंने समय दिया था 25 अगस्त से 10 सितंबर का। 15 दिन का समय देकर के दोबारा से अब की बारी आमरण अनशन नहीं, अब की बारी बैठे ये जल मरण पर। किस पर? जल मरण व्रत दान कर लिया और जल में डूबकर मरने का स्थान इन्होंने रखा अकाल तख्त के सामने। अकाल तख्त के देश पर बढ़ते हुए दबाव या पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण एक तरफ यहां पर विवाद बढ़ता जा रहा हरियाणा को पंजाब से अलग करने का, तो तात्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, तात्कालीन प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट पीएम ही लिख देते हैं। कौन होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। अब यह आदेश देते हैं किसको, तात्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देते हैं? तात्कालीन लोकसभा अध्यक्ष। और वो तात्कालीन लोकसभा अध्यक्ष होते हैं सरदार हुकम सिंह। कौन होते हैं तात्कालीन लोकसभा अध्यक्ष? सरदार हुकम सिंह। कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए एक आयोग बना जाए, तात्कालीन अध्यक्ष हुकम सिंह ने शास्त्री जी की सलाह पर एक आयोग बनाया गया। दुर्भाग्य की बात यह रही, जब तक उस आयोग का रिजल्ट आता उससे पहले शास्त्री जी ही हमारे पास नहीं रहे। तो देखिए हम बात करेंगे दो आयोग असफल होने के बाद इस तीसरे आयोग की, क्या नाम रहा, कब बना, क्या प्रोसीजर था, सब बातों का। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात रहती हमारी डायरेक्ट तीसरे आयोग की। तीसरा आयोग, अब जब ये तीसरा आयोग था तो ये आपने ये पता चल गया ना किसके कहने से बना, कब बना, सब बातों का।
तो सबसे पहले लिखे हैं आयोग का नाम। तीसरा आयोग कौन था? जे सी सा आयोग। जो ये जे सी सा थे ना, यही क्या थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? जे सी सा। जो ये जे सी सा थे ना, इनका पूरा नाम था जे से जयंतलाल, सी से छोटेलाल और सा। इसके साथ साथ दो सदस्य और थे, श्री एस दत्त और श्री एम एम फिलिप। कितने सदस्य हुए? तीन सदस्य। अब इन तीनों सदस्यों के कारण इस आयोग को क्या कहा गया? तीन सदस्य आयोग भी कहा गया। क्या आयोग भी कहा गया? तीन सदस्य आयोग। बात रहती है हमारी यहां से आगे, तो देखेंगे इन तीन सदस्य आयोगों के बाद आयोग बना। कब बना? 23 अप्रैल 1966 को आयोग बनाया गया। अब रिपोर्ट सौंपी 31 मई 1966 को, और यह रिपोर्ट क्या रही? सफल रिपोर्ट रही। और इसको स्वीकार किया गया किसको? यह रिपोर्ट स्वीकार कब हुई? 18 सितंबर 1966 को। और हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा याद रहे कब बना? 1 नवंबर 1966 को। कैसे? 18वें संविधान संशोधन से, 17वां जिला नहीं राज्य, कौन सा राज्य बना? 17वां। कौन से संविधान संशोधन से? 18वें से। अब बात रहती है ये अलग किससे हुआ? जो पेप्सू था ना, हरियाणा और पंजाब संयुक्त थे, हमने पेप्सू ये मान लिया। चलिए ये मान लेते हैं पेप्सू हो गया हमारा। इससे ये क्षेत्र हरियाणा के हिस्से में आता है, तो ये क्या रहा? हरियाणा। और ये क्या रहा? पंजाब। अब हरियाणा के हिस्से में क्षेत्र आता है 35.18%, जो इस टोटल का प्रतिशत कितना होता है? 35.18। अब यहां कितना रहता है? यहां लगभग 64.82%। चलिए अब जो ये क्षेत्रफल होता है ना 35.18, ये होता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब एक बात आती है, जिले आरंभिक जिले बने थे 5। कितने जिले बने? 5। कौन से? एक हिसार, एक करनाल, एक रोहतक, एक महेंद्रगढ़ और एक गुरुग्राम। 5 जिले बनते हैं। अब बात आती है हरियाणा व पंजाब के राजधानी की। हरियाणा का अधिकार भी चंडीगढ़ पर दर्शाया जाता है और पंजाब का भी। जो अंबाला जिला होता है, तहसील होती है ना, उसमें खरड़ और रोपड़ तहसील को तोड़कर पंजाब में मिला दिया जाता है। नारायणगढ़ और अंबाला तहसील को तोड़कर हरियाणा में मिला दिया जाता है, और अंबाला को एक जिले का दर्जा दिया जाता है। एक कौन सा बन गया हमारा? अंबाला। वहीं अब रास्ते की कमी होगी भाई, कैसे पहुंचे पंजाब तक, सॉरी चंडीगढ़ तक है। तो जो पंजाब की संगरूर जिला था उसको तोड़ दिया गया, उसकी संगरूर तहसील को पंजाब में मिला दिया गया, उसकी 2 तहसील हरियाणा में मिला दी गई, एक जींद तहसील और एक नरवाना तहसील। नरवाना तहसील को तो तहसील बना दिया गया और जींद तहसील को जिले का दर्जा दे दिया गया। तो कौन सा जिला? अंबाला और जींद। इस तरह से हरियाणा में क्या कर दिए गए? 2 जिले बनाए गए। तो 5 की बजाय जिले कितने हो गए हमारे? 7। हरियाणा गठन के समय जिले कितने हो गए? 7। 5 के बाद बने 2 ये। चलिए अगर क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा गठन के समय कितने जिले हैं, तो हमारे 7 हैं। ये 2 हमने ये बताया कि पहले क्रम में 5 बने, तो दूसरे क्रम में 2 जिलों को बनाया गया। चलिए
अब हिसार जिला बहुत विशेष था इनमें से, क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा जिला था, और जींद जिला भी विशेष था हिसार की तरह, क्योंकि यह क्या था, सबसे छोटा जिला था। जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, सात जिले बने, तो इनके लिए एक ट्रिक, कौन सी ट्रिक है, सात गर जेके, सात जिले है ना हमारे, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम के से महेंद्रगढ़, ये हमारे सात जिले हुए। अब बात आती है विधानसभा की, तो हरियाणा गठन के समय कितनी सीटें थी, 54, कौन सी थी, कैसी थी, आगे कब बढ़ी, कौन अध्यक्ष बना, ये हमारा विषय अलग है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको दोहराएंगे। अब बात रहती है राजधानी, बात रहती राजधानी के साथ साथ विधानसभा, विधानसभा के साथ साथ रहती है उच्च न्यायालय, क्या रहती है, उच्च न्यायालय। ये तीनों क्या है, हरियाणा के चंडीगढ़ में और पंजाब के साथ सांझे हैं। अब राजधानी भी कौन सी है, चंडीगढ़, जो पंजाब के साथ क्या है, सांझी है, और उच्च न्यायालय भी क्या है, सांझा है पंजाब के साथ। बात रहती है विधानसभा की, विधानसभा भी सांझी है, परंतु बैठने का स्थान दोनों राज्यों का अलग अलग है। जो पुरानी विधानसभा थी, विधान परिषद होती थी उस समय, वो हरियाणा के हिस्से में आ गई और पंजाब ने अपने हिस्से की उससे लेफ्ट साइड अपनी नई बनाई। तो इस तरह से आपने देखा हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए किन किन कदमों से गुजरना पड़ा। कभी हिंदी भाषा आयोग बना, तो कभी फैसल अली आयोग बना, कभी सत्तर आयोग बना, तो कभी जेसी आयोग बना, कभी बात पहुंची लंदन के गोलमेज सम्मेलन तक, कभी दीनबंधु गुप्त का जिक्र आता है, कभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा को अलग किया जाएगा, कभी मुस्लिम लीग की बात आती है 1925 दिल्ली पीरजादा हुसैन स्वागत समिति, तो कभी कानपुर दिल्ली से काटकर पंजाब में मिलाने की बात आती है, तो कभी बात आती है हरियाणा कांग्रेस का गठन। इन सब बातों के साथ आज आपने दोहराया हरियाणा का गठन। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कीमती सुझाव देने याद रखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी साथियों का धन्यवाद।